अब बात T20 महाकुंभ की, तो फाइनली T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 68 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में जगह बना ली, अपना 22 का बदला पूरा कर लिया। अब खिताबी भिड़ंत में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होना है। भारत ने 2022 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जो हार का हिसाब है वो भी चुकता कर लिया। नीली जर्सी वाले ने ऐसा खेल दिखाया कि फाइनल में एंट्री पा ली। आज बात करेंगे जीत के हीरोज की, साथ ही सामने फाइनल में इंतजार कर रही दक्षिण अफ्रीका की टीम की, कितना सावधान रहना है, कैसे जीत मिलेगी। पहले रिपोर्ट देखिए। रोहित ने मचाई खलबली, भारत की फाइनल में एंट्री, अंग्रेजों से वसूला लगान, अफ्रीका का करेंगे काम तमाम। सत्रह साल बाद फिर से इतिहास दोहराया जाएगा। जो विराट करने में नाकाम रहे उसे रोहित की कप्तानी में पूरा किया जाएगा, क्योंकि हमने अंग्रेजों से 22 के विश्व कप सेमीफाइनल्स का हिसाब चुकता कर लिया। इंग्लिश टीम को ऐसी करारी मात दी कि अब उसके सपने में भी अक्षर पटेल, कुलदीप, बुमराह आएंगे। रोहित के छक्के बार बार उन्हें हार की याद दिलाएंगे। कैसे मिली जीत, पहले उस रोमांचक पल को एक बार फिर से जीते हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जो उस पर भारी पड़ गया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी का न्योता स्वीकार किया और स्कोर बोर्ड पर 171 रन लगा दिए। रोहित ने गजब का खेल दिखाया और बता दिया कि उन्हें क्यों हिटमैन कहा जाता है। इंडियन कैप्टन ने 39 गेंदों पर ताबड़तोड़ 57 रन बना डाले। इस दौरान रोहित के बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के निकले। फिर बारी आई सूर्य कुमार यादव की, जिन्होंने 36 गेंदों में 47 रनों की पारी खेलकर टीम को 150 तक पहुंचाया। हार्दिक और रविंद्र ने फिर महत्वपूर्ण रन बनाए। हार्दिक के बल्ले से 13 गेंदों में 23 रन निकले। हार्दिक ने अपनी पारी में 2 गगनचुंबी छक्के और 1 चौका लगाया। टीम को 171 तक पहुंचाने में इन्होंने बड़ा किरदार निभाया। बल्लेबाजों ने अपना काम बखूबी पूरा कर दिया। स्कोर बोर्ड पर वो रन थे जिससे मैच जीता जा सकता था, और गेंदबाजों ने भी वही किया। ऐसा कहर बरपाया कि इंग्लिश टीम धराशायी हो गई। एक समय बटलर की शुरुआत के 3 ओवरों में तूफानी पारी को देखकर लग रहा था कि कहीं जीत हाथ से निकल न जाए, लेकिन अर्शदीप के ओवर में बैक टू बैक 3 चौके जड़ने के बाद अक्षर को बॉल थमाई गई और फिर शुरू हुआ करिश्मा। अक्षर ने 4 ओवर किए, 23 रन दिए और 3 विकेट्स चटकाए। अक्षर के 4 ओवर में विकेट्स गिरे। सबसे पहले खतरनाक इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर का विकेट, फिर दूसरे ओवर में जॉनी बेरेस्टे को, तीसरे में मोइन अली को और चौथे में लियाम लिंग्विस्टोन को रन आउट करवाया। टीम की तरफ से कुलदीप ने गजब की बॉलिंग की। चाइनामैन स्पिनर कुलदीप ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। तीनों बल्लेबाज बेहद खतरनाक थे, जो अगर पिच पर रुक जाते तो पासा पलट देते, लेकिन कुलदीप ने तीनों बल्लेबाजों को, हैरी ब्रूक, सैम करन और क्रिस जॉर्डन को पवेलियन भेजा। दूसरी तरफ तेज गेंदबाज बुमराह बिना विकेट लिए भला कैसे रहते। भारतीय कप्तान के भरोसेमंद पेसर बुमराह ने 2 ओवर 4 गेंदे फेंकी, 12 रन देकर 2 विकेट्स टीम के लिए निकाले। ओपनर फिल सॉल्ट और इंग्लैंड की तरफ से 6 लगाने वाले इकलौते बैटर जोफ्रा आर्चर को पवेलियन भेजा, और इसी के साथ अंग्रेजों की पारी महज 16 ओवर 4 गेंदों में 103 रन पर सिमट गई और ब्लू जर्सी वाले भारतीय खिलाड़ियों ने अंग्रेजों को हराकर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली। अब भारत को इंतजार है फाइनल का, जब साउथ अफ्रीका को हराकर हम विश्व कप देश लेकर लौटेंगे। रिपोर्ट न्यूज 18। और जीत की खुशी, हार का गम छिपाए नहीं छिपता। 2 साल पहले जब अंग्रेजों ने T20 विश्व कप में हराया, और अब जब 2 साल बाद उनसे बदला लिया गया, और ऐसा बदला कि हिटमैन की आंखें खुशी से डबडबा गईं, गला भर आया। आखिरकार हुआ वही जो होना था।
टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया जीत गई। उम्मीद के मुताबिक गयाना में उसने अपने दमखम का इंग्लैंड से अच्छे से परिचय करवाया और टूर्नामेंट के फाइनल का टिकट जीत लिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, रोहित शर्मा क्यों रोने लगे? दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल के खत्म होने के बाद गयाना के मैदान से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रोहित शर्मा को साफ इमोशनल होते देखा जा सकता है। उनकी आंखें आंसुओं से डबडबाई नजर आ रही हैं। सवाल है क्यों? जीत के बाद भी आंखों में आंसू क्यों? कहीं आप भी ये दृश्य देखकर इमोशनल तो नहीं हुए? इसमें कोई दो राय नहीं कि टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर जो फाइनल का टिकट हासिल किया उसके मायने बहुत बड़े हैं। ये महज फाइनल का टिकट नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की भावनाएं हैं जो कप्तान की आंखों में झलक आईं। इंग्लैंड से सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के बाद रोहित शर्मा की आंखें भर आईं, तो इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि उनका सपना और टीम का इंतजार अब खत्म होने वाला है। पिछले साल वो जिस आईसीसी खिताब को अपनी कप्तानी में हासिल करने से चूक गए थे उसे पाने का उन्हें एक और मौका मिला। बस इन्हीं बातों को सोचकर शायद वो इमोशनल हो गए और अब रोहित की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रोहित का वायरल हुआ ये वीडियो ड्रेसिंग रूम के बाहर का है, जिसमें वो बाहर कुर्सी पर बैठे हुए दिख रहे हैं। भारत की जीत के बाद सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे। इस बीच रोहित को देख कोहली ने उनको शाबाशी दी। कोहली के पहुंचने से पहले ही रोहित अपना सिर झुकाकर हाथ से आंखों को पोंछते हुए दिखे। इस दौरान दूसरे खिलाड़ी भी आगे बढ़े। दावा ये किया जा रहा है कि रोहित टीम इंडिया के जीत की खुशी में इमोशनल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए और क्रिकेट को और बारीकी से समझते हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह से मौसम की गड़बड़ियां हो सकती हैं, तमाम चीज़ें। अमृत आनंद और वैभव हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अमृत, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ ये कॉन्फिडेंट मानकर चल रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि अब तो विश्व कप हमारे पास आने वाला है। एक बात ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाए, मेरा ख्याल है 6 बार टक्कर, 4 बार इंडिया के खाते में जीत है। इन सब के बीच आपको क्या लगता है? एक दूसरा, खैर इसका आप जवाब दीजिए, फिर मैं मौसम को लेकर सवाल पूछूंगा। देखिए मौसम सुहाना रहेगा, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है ललित भाई। और जो पहला आपका सवाल है कि देखिए अब मैं दिल से चाहूंगा कि एक शानदार फाइनल मुकाबला देखने को मिले। देखिए रोहित को ना हर चीज बड़े संघर्ष से मिलती है। रोहित शर्मा जो भावुक हुए, तस्वीरें हम दिखा रहे थे, वो ये दिखा रहा था कि इस टीम को एहसास है कि वो क्या करने जा रही है, कहां पहुंची है। और जो हिंदुस्तान के लोगों का दबाव है उनके ऊपर ना, मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा सारे फैन से कि आपको दबाव नहीं बनाना है, जबकि हमें टीम इंडिया का हौसला बढ़ाना है। देखिए खेल है, जीतोगे हारोगे, लेकिन इस बार जो ये टीम चल रही है ना, ये अलग लेवल पे चल रही है। इस जीत के साथ वो सफलतम कप्तान, मेरा ख्याल है 49 मैच उनके खाते में आ गए, सफलतम की लिस्ट में आ गए वो। अमृत लड़ी भाई आप 50वें की तैयारी कीजिए। मैं कहूंगा कि आप 50वें की तैयारी कीजिए। आलिशान एक मैं कहूंगा कि माहौल होगा जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रोहित शर्मा के हाथों में होगी। विराट कोहली जो कि बतौर कप्तान ट्रॉफी नहीं जीत पाए, लेकिन ये इस ट्रॉफी में उनकी भी हिस्सेदारी होगी। और जो विराट का बल्ला अब तक नहीं चला है, तैयार रहिए, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ फाइनल में विराट कोहली शांत नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि जब आउट होकर ललित भाई वो पवेलियन में बैठे हुए थे, राहुल द्रविड़ उनको थोड़ा सा हौसला बढ़ा रहे थे, तो विराट कोहली को कभी भी हमने वैसा देखा नहीं था ड्रेसिंग रूम में इतना सीरियस होकर बैठे हुए। वो हमेशा मजाक करते नजर आते थे, लेकिन फिर भी मुकाबले के लिए टीम इंडिया तैयार है। अच्छी बात ये है हर मैच में एक नया हीरो, एक नया संघर्ष देखने को मिल रहा है, एक नई कहानी देखने को मिल रही है, और फाइनल के लिए टीम इंडिया तैयार है इतिहास रचने को। जी जी जी, रोहित और विराट दोनों को लेकर एक और सवाल मेरे पास रहेगा। वैभव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो वैभव मुकाबले को लेकर सबसे पहले क्या कुछ आपको नजर आता है, एक बात। दूसरी बात कि दोनों ही टीमों ने अपना कोई मुकाबला, ये दोनों ही टीमें जो अब भिड़ने वाली हैं वो मुकाबला हारी नहीं है। वैभव बिल्कुल, देखिए अभी तक अनबीटन रही है साउथ अफ्रीका और अनबीटन रही है इंडिया, और ये इतिहास बनने जा रहा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई टीम जो है वो अनबीटन रही हो पूरे टूर्नामेंट में और उसके बाद जाकर
उसने वर्ल्ड कप भी जीत लिया हो, तो चाहे इंडिया जीते चाहे साउथ अफ्रीका जीते, ये एक इतिहास तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा आप बात कर रहे थे कि बल्लेबाजों की, विराट कोहली और रोहित शर्मा पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ये टीम। हालांकि हमने इस पूरे टूर्नामेंट में देखा है कि मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा कर रहा है, एंड में हार्दिक पांड्या आके शॉट लगाते हैं, अक्षर पटेल के आने से बैटिंग में डेप्थ मिला है। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा को अच्छा स्टार्ट देना होगा, क्योंकि हमने कल भी देखा जिस तरीके की गड़बड़ी विराट कोहली दिखा रहे थे, जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे थे रन बनाने की, और उसी के चलते वो बोल्ड हुए। और उनका शायद उनका भी एक रिकॉर्ड बन गया है सबसे ज्यादा सिंगल डिजिट पे आउट होने का इसी मैच के दौरान। जी वैभव, देखिए ऐसे रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना, मुझे लगता है कि खिलाड़ी जो है उसको अपने खेल पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपने देश को अपने देश के लिए खेलने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उसके लिए योगदान करने की कोशिश करनी चाहिए। रिकॉर्ड्स तो बनते रहेंगे, कोई ना कोई बाद में आएगा रिकॉर्ड तोड़ेगा, कोई रिकॉर्ड आप बनाएंगे, कोई किसी रिकॉर्ड को आप तोड़ेंगे, लेकिन विराट कोहली वो खिलाड़ी है ना जो किसी भी मैदान में किसी भी गेंदबाज के सामने कभी भी चल सकते हैं। उन्होंने इतनी कंडीशन में बल्लेबाजी कर ली, इतना बड़ा करियर रहा है कि आप उनके फॉर्म पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इतना समय हो गया रन नहीं बना रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है फाइनल में वो चलेंगे। कल रोहित शर्मा ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हो सकता है कि वो फाइनल के लिए बचा के रखे उन्होंने रन, और अगर फाइनल में चल गए तो फिर इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमेशा से विराट कोहली का रिकॉर्ड भी अच्छा ही रहा है, तो मुझे लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत जरूरी है कि एक अच्छा स्टार्ट दे, चाहे पहली बल्लेबाजी करे चाहे दूसरी बल्लेबाजी करे। जी अमृत, आप जिक्र कर रहे थे रोहित का, बड़ा अच्छा जवाब उन्होंने दिया, उनसे पूछा जा रहा था। दरअसल अर्शदीप, बॉल टेम्परिंग और विराट, इनकी परफॉर्मेंस से जब बात निकली तो बहुत अच्छा जवाब रोहित ने दिया कि हम वो टीम बनाना चाहते हैं जो समझदार हो, कोई ऐसी टीम नहीं बनाना चाह रहे हैं कि वहाँ जाए और वो सीधे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चक्कर में फंस जाए। ये बात उन्होंने कही थी, और अब इस बात को कोट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत बेहतरीन कामयाबी का ट्रैक रिकॉर्ड उनका बन गया है। अमृत, देखिए रोहित शर्मा के बारे में बतौर कप्तान में एक बार जरूर बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि ललित भाई बहुत मेहनत इस खिलाड़ी ने बहुत कुछ पाया है, इसे हर चीज कप प्लेट में नहीं मिली है, और रोहित को पता है एक वर्ल्ड कप 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में जो उनसे गलती हुई थी, जब लगातार विकेट गिर रहा था तो वो भी तेज शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए थे, तो विराट कोहली को पता था कि विराट जब भी आउट होते थे ना, तो आप अगर देखोगे मैच को तो वो अपना एक ओवर दो ओवर स्लो होते हैं, यानी थोड़ा रिस्क कम करते हैं, परफेक्ट गेंद पे ही वो शॉट खेलते हैं। तो रोहित को पता है कि भैया अगर कोई खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी आउट हो रहा है तो गेम चेंज कैसे करना है। कल की पिच बहुत टफ थी, बारिश हो गया, लेंथ के नीचे गेंदे आ रही थी, नी के नीचे गेंदे आ रही थी, तो इस तरह से गेम जब एक कप्तान को पता हो कि किस हालात में कैसे खेलना है तो उस कप्तान से पंगा नहीं ले सकते हैं। और साउथ अफ्रीका की जहां तक बात रही, दक्षिण अफ्रीका की जहां तक बात रही है, मैं कहूंगा कि बिल्कुल टीम बहुत दमदार है, बहुत अच्छे खिलाड़ी उसके अंदर भी हैं, लेकिन जिस तरह से रोहित की टीम चल रही है ना जी, जिस माइंडसेट के साथ, जिस गेम प्लानिंग के साथ, अनबीटन है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अमृत, और वक्त थोड़ा कम है, जो दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं वो कितनी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं? देखिए जिस पिच पर मुकाबला होना है वहां थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है, लेकिन ललित भाई आप बिलीव कीजिए, जिस तरह से भारतीय स्पिन अटैक और जिस पर बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होगी अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हो, 150 रन भी बना लेती है। कल भी उसमें बात करेंगे, लेकिन हाँ संभल कर खेलना बहुत जरूरी है। अब कल देखना होगा कि कौन सा कल किसका दिन है और कौन सा बल्लेबाज बल्ले से चमकता है। जी जी वैभव, बहुत शॉर्ट में अपने ऊपर जो ये नाम लगा हुआ है साउथ अफ्रीका, चोकर्स मेरा ख्याल उन्हें कहा जाता है, तो वो भी तो लगातार इसके लिए ये दाग हटाना चाहेंगे, इन सब के बीच क्या लग रहा है आपको, कैसा ये मैच होने वाला है वैभव? मुझे लगता है देखिए एक तो फाइनल है तो वैसे भी धमाकेदार होना चाहिए, और धमाकेदार मुकाबला हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका पूरी कोशिश करेगी। देखिए 32 साल लग गए, 18 वर्ल्ड कप उन्होंने खेल लिए, इतना लंबा समय लगा सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए, तो अब तो वो भी फाइनल तक पहुंचने के लिए माफ कीजिएगा, तो वो भी कोशिश करेंगे कि अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएं। ईडन माकरम अंडर 19 वर्ल्ड कप के कप्तान थे, वो जिताया था उन्होंने, तो मुझे लगता है कि टीम बहुत मेहनत करेगी, लेकिन जो भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस है जिस तरीके से बूस्ट करके खेल रहे हैं, मुझे लगता है आराम से टीम को जीत दर्ज कर लेनी चाहिए भारतीय टीम। चलिए मैं रोक रहा हूं आपको, और दोनों जो हमारे सहयोगी हैं इनसे अगर मुझे खेल भावना 1 किलो में मिल जाए तो मजा आ जाए, गजब का कॉन्फिडेंस इनमें अपनी टीम को लेकर होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और इसी के साथ T20 के महाकुंभ के इस खास प्रस्तुति में इतना ही।